सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं हम सभी के, मतलब या लिटरली में हम सभी के, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी ने इसको नहीं देखा होगा, इस कार्टून को। तो यस, बिल्कुल सही पकड़े हैं, आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूँ बेन 10 वर्सेस अवेंजर्स के बीच में। सो यस, टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ कि दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है इसमें सिर्फ बैटल होगी बेन 10 के सबसे पहले वर्जन की। यस, वही वाला बेन 10 जिसके पास सिर्फ 10 ही एलियंस थे। तो क्या लगता है, क्या बेन 10 अपने 10 एलियंस के साथ भी पूरी की पूरी अवेंजर्स की टीम को बीट कर पाएगा? एंड मैं बताता हूँ कि अवेंजर्स की टीम भी वही होगी जो हमें सबसे प्रथम देखने को मिली है, जिसमें सिर्फ 6 ही मेंबर्स थे। तो इस बात को ध्यान में रखना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। कैन आई बी योर सुपर हीरो? तो चलो शुरू करते हैं आयरन मैन से। अब यार देखो, जो आयरन मैन है अगर वो भेजता है बेन 10 के साथ में, तो देखो यहाँ पर जो बेन 10 है, मतलब फर्स्ट वाला बेन 10 है जिसके पास सिर्फ 10 ही एलियंस थे, वो यहाँ पर अपने दो एलियंस का यूज कर सकता है जिनका नाम है अपग्रेड एंड ग्रे मैटर। अब देखो यार, जो अपग्रेड है वो किसी भी मैकेनिक की चीज में घुस कर उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, और जो आयरन मैन का सूट है मे बी वो उसके अंदर जाकर उसे कंट्रोल कर पाए। बट आयरन मैन के सूट में खुद जो होस्ट होता है वो आयरन मैन होता है, तो मे बी अपग्रेड यहाँ पर फेल हो सकता है, क्योंकि वो ऐसी रोबोटिक मशीनों को कंट्रोल करता है जिनका कि कोई ह्यूमन होस्ट ना हो, यानी कि कुछ कोई ह्यूमन उनको अंदर से कंट्रोल ना कर रहा हो। बट मुझे नहीं लगता कि वो आयरन मैन के सूट को कंट्रोल कर पाएगा। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अपने दूसरे एलियन की ओर, या फिर बेन 10 के दूसरे एलियन की ओर जिसका वो यूज़ कर सकता है, जिसका नाम है ग्रे मैटर। अब यार देखो, जो ग्रे मैटर है वो छोटा तो है ही, जाहिर सी बात है, एंड वो उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। तो वो आयरन मैन के सूट के अंदर किस तरह से अगर घुस गया तो वो आयरन मैन के सूट को डिस्ट्रॉय कर देगा। बट भाई, जो आयरन मैन है वो भी कोई लुच्चा टुच्चा प्लेयर नहीं है। अगर कोई छोटी सी चीज़ लाइक एंट मैन की तरह हमने देख लिया था सिविल वॉर में, अगर उसके सूट के अंदर चला जाता है तो अपने आप ही उसका सूट उन चीज़ों को अब उसके सूट से बाहर फेंक देता है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर जो अपग्रेड एंड ग्रे मैटर है वो बीट कर पाएंगे यहाँ पर आयरन मैन को, एंड बाकी कोई एलियन नहीं लगे मुझे यहाँ पर आयरन मैन से भिड़ाने जितने। तो यहाँ पर बेन 10 इन दोनों का यूज़ कर सकता था, बट इन दोनों को तो आयरन मैन फेल देगा। तो यहाँ पर विजेता होगा आयरन मैन। नेक्स्ट बैटल होगी ब्लैक विडो एंड हॉकाय वर्सेस। तो अगर देखो यार, हॉकाय एंड ब्लैक विडो भिड़ेंगे बेन 10 के साथ में, तो यहाँ पर बेन 10 के पास जो एक सुविधा है वो दो एलियंस की है, जैसे कि एक्सला 8 एंड हीट ब्लास्ट। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक्सला 8 का यूज़ करेगा। तो यार एक्सला 8 इतना ज़्यादा फास्ट है कि वो कुछ ही सेकंड्स में, मतलब गते कुछ ही सेकंड्स में ब्लैक विडो एंड हॉकाय को बीट कर देगा, और उन दोनों को पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बिना कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के, मैं कह देता हूँ कि यार बेन 10 जीतेगा। नेक्स्ट बैटल थॉर। हाँ, तो अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट बैटल में थॉर को कंसीडर कर रहे हैं, तो भाई थॉर के सामने कोई टक्कर वाला एलियन लाना पड़ेगा बेन 10 को। तो यहाँ पर वो यूज़ कर सकता है डायमंड हेड का। जी हाँ, डायमंड हेड इतना ज़्यादा डेडली सुपर हीरो, या फिर यूँ कह लें कि डेडली विलन है बेन 10 का, कि यार उसकी बॉडी को ब्रेक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि जो डायमंड हेड है उसकी पूरी बॉडी डायमंड की बनी हुई है, तो यहाँ पर थॉर को काफ़ी दिक्कत होगी उसके साथ भिड़ने में, एंड साथ ही में वो कई सारे डायमंड्स को अपने हाथों से प्रोड्यूस कर सकता है, एंड डायमंड की बड़ी बड़ी शील्ड्स अरे परे क्रिएट भी कर सकता है। तो यहाँ पर थॉर के तो काफ़ी एल लगने वाले हैं, बट यार एट दी एंड थॉर जीत जाएगा भाई। यस, थॉर डायमंड हेड को ईजिली नहीं, बट यार एंड आते आते बीट कर जाएगा अपने वेपन्स म्यूनिर या फिर स्टोन ब्रेकर की मदद से, एंड साथ ही में अपनी लाइटनिंग की मदद से। तो यहाँ पर मुझे पॉइंट देना पड़ेगा थॉर को, यानी कि अवेंजर्स को। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, तो यार नेक्स्ट बैटल हम कंसीडर करेंगे हल्क को। तो यार हल्क के सामने मुझे टक्कर वाला एलियन बेन 10 नॉर्मल जो है, मतलब फर्स्ट बेन 10 जिसके पास सिर्फ 10 एलियन थे, वहाँ पर मुझे लगा अपना फोर आर्म्स। यस भाई, फोर आर्म्स हल्क को टक्कर दे सकता है, बराबरी की टक्कर दे सकता है। यस, इन दोनों की स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक मैच कर सकती है। बट यार देखो, जो एमसीयू में ओल्ड हल्क देखने को मिला है, मैं यहाँ पर न्यू हल्क को कंसीडर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं 2012 वाले अवेंजर्स की बात कर रहा हूँ। इस बात को आप ध्यान रखें, एंड मैंने ऊपर कह दिया था थॉर का म्यूनिर एंड स्टोन ब्रेकर, तो वहाँ पर स्टोन ब्रेकर को काट दो, वो फ्लो से निकल गया था। तो अब बात करते हैं यहाँ पर फिलहाल हम हल्क की। तो यार देखो, जो हल्क है 2012 वाला हल्क, उसको हम जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा ड्यूरेबल, डेडली एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट
सुपर हीरो था अवेंजर्स टीम का। बट वहीं अगर मैं बात करूं फोरआर्म्स की, तो यार फोरआर्म्स भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन है बेंटन का, चाहे हम बात करें बेंटन के ओल्ड वर्जन की, चाहे हम बात करें बेंटन के न्यू वर्जन की। फोरआर्म्स ने हर जगह अपने झंडे गाड़े हैं, बट यार देखो अपने चार चार हाथ की मदद से भी वो हल्क को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि यार फोरआर्म्स की स्ट्रेंथ लिमिटेड है, बट हल्क की स्ट्रेंथ का अमाउंट अनलिमिटेड है। यस, हल्क के पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ है, वो उसके एंगर पर निर्भर करता है, वो जितना ज़्यादा एंग्री होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर मुझे पॉइंट देना पड़ेगा हल्क को, यानी कि अवेंजर्स को। सो अब बात करते हैं आज की अपनी लास्ट बैटल की, जो कि होने वाली है कैप्टन अमेरिका के साथ। तो देखो यार, अगर बेन टेनिसन भिड़ेगा कैप्टन अमेरिका के साथ, तो यहाँ पर वो हीट ब्लास्ट का यूज़ करके इजिली कैप्टन अमेरिका को नॉकआउट कर देगा। यस, जो 2012 वाले कैप्टन अमेरिका है उनके पास तो म्योनिर भी नहीं था, तो आपके पास यहाँ पर कमेंट करने के लिए ये भी कोई पॉइंट नहीं बनता कि भाई विद म्योनिर वाला कैप्टन अमेरिका हीट ब्लास्ट को ख़त्म कर देगा। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर जो नॉर्मल कैप्टन अमेरिका है वो हीट ब्लास्ट की हीट को सह पाएंगे या फिर उससे जीत पाएंगे। हाँ, वो अपनी वाइब्रेनम की शील्ड की मदद से काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, बट एट द एंड यार जो हीट ब्लास्ट है वो पावर के मामले में कैप्टन अमेरिका को ओवरकम कर जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा बेन टेनिसन को, ऐसी बात है यार। सो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। तो स्कोर बोर्ड कुछ इस तरह से निकल कर आता है, जो बेन टेनिसन है उसने गेन किए हैं 2 पॉइंट्स, बट वहीं जो अवेंजर्स हैं उन्होंने गेन किए हैं 3 पॉइंट्स। तो देख रहे हो भाई डिफरेंस देख रहे हो ना, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो विजेता है वो बेन 10 नहीं मेरे भाई, इस बार निकल कर आते हैं अवेंजर्स। वैसे इस बात क्यों कह रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर पहले तो वीडियो नहीं बनाई है। हाँ, मैंने पहले एक वीडियो बनाई है जिसका टाइटल था शक्तिमान वर्सेस बेन 10। अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार चेकआउट करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, मज़ा आता है बहुत, मतलब मज़ा है उस वीडियो में बहुत। अगर आप शक्तिमान या फिर बेन 10 के फैन हो तो एक बार चेकआउट करना, ठीक है। बाकी तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, नया के चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अरे अरे रुको जरा, वेट भाई वेट, सुनो बात सुनो मेरी। मैं बेन 10 के एक एलियन को इंक्लूड करना तो भूल गया, और वो एलियन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि भाई वो अवेंजर्स टीम के मैक्सिमम सुपरहीरोज को तो अकेले ही बीट कर देगा। तो भाई मैं इसको इंक्लूड करना कैसे भूल गया। यस भाई, मैं बात कर रहा हूँ गोस्ट वीक की। गोस्ट वीक बेन 10 का एक एलियन, ऐसा एलियन है जो कि लिटरली में गोस्ट ही है यार। वो दीवारों के आर पार जा सकता है बड़े आराम से, किसी की शरीर के अंदर जाकर उसमें प्रवेश करके उसे कंट्रोल कर सकता है, एंड साथ ही में ऐसी कई सारी अदर पावर्स है उसके पास गोस्ट लाइक, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ तो यार वो ब्लैक विडो, हॉकाई एंड बाकी सभी अवेंजर्स को तो निपटा देगा, जो भी मैंने कंसीडर किए। बट यार जो थॉर एंड हल्क है, इन दोनों के सामने उसे थोड़ी देर के लिए थोड़ी दुविधा होगी, क्योंकि यार जो हल्क है वो हमें कॉमिक्स में बताया गया है कि वो गोस्ट से बातें कर सकता है, उन्हें देख भी सकता है। तो कुछ हद तक जो हल्क है वो गोस्ट पीक पर भारी पड़ेगा, बट यार देखो जो गोस्ट पीक है वो हल्क की बॉडी में जाकर उसमें प्रवेश करके उसे निपटा देगा। एंड जैसा कि हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा ही था कि कोई भी लिटरली में कोई भी, जैसे कि वांडा हल्क का ब्रेन कंट्रोल करके इतनी ज़्यादा तबाही उसे करवा चुकी थी। तो यार मतलब 2012 वाला हल्क तो क्या ही टिकेगा गोस्ट फिक के सामने। एंड साथ ही में लोकी भी कुछ हद तक, उसका प्लान था ये कि वो हल्क का माइंड कंट्रोल करे, पर उसे ये मौका नहीं मिला। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हल्क है उसको गोस्ट फिक ओवरकम कर देगा। बट यार देखो जो थॉर है, थॉर के सामने जो गोस्ट फिक है उसको भी अपने घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि यार गोस्ट फिक की सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो है लाइट। यस लाइट भाई, अगर उसके सामने लाइट आती है तो एकदम से वो डिसअपीयर हो जाता है, उसकी फटके 64 हो जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो थॉर है उसका पल्ला मुझे भाई लगता है, और थॉर की वजह से अवेंजर्स इस बंदे को भी निपटा देंगे, जो ये गोस्ट फिक है इस एलियन को भी निपटा देंगे, क्योंकि यार थॉर अपने लाइटनिंग की मदद से काफ़ी हद तक गोस्ट फिक पर भारी पड़ सकता है। एंड साथ ही में जो गोस्ट फिक है मुझे नहीं लगता कि वो थॉर की बॉडी को कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि यार थॉर कोई ह्यूमन नहीं है, वो एक गॉड है, एंड उसका पर्दा तो इन जैसे भूतों से कई बार पड़ चुका होगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो 1500 साल के गॉड ऑफ थंडर ओडन के लौंडे को बीट कर पाएगा। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ गई है क्योंकि मैं इस वीडियो को काफ़ी सुबह या फिर 8-9 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जो इससे पहले रिकॉर्डिंग थी वो मैंने शाम को 7 या 8 बजे की थी, रात को ही कह लो। तो इसी वजह से इन दोनों की ऑडियो में थोड़ा फ़र्क हो सकता है, तो इसलिए मुझे क्षमा कर देना भाइयों बहनों, आई एम सॉरी फॉर दैट। पर क्या करें यार, मुझे गोस्ट फिक की याद अभी आई कि भाई हाँ यार ये भी तो था, मैं इसको कैसे मिस कर गया। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इसको लास्ट में इंक्लूड कर लूँ जाते जाते, नहीं तो फिर अब कमेंट बॉक्स में गालियाँ भर भर के दोगे।
तो बस यार अब, एंड जैसे कि मैंने कहा कमेंट बॉक्स खुला है तो वहां पर अपने ओपिनियन लिख देना, क्योंकि ये तो सिर्फ मेरा ही ओपिनियन था, आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है इस बैटल के बारे में, तो आप बता देना। एंड बाकी किसी टॉपिक का सजेस्ट देना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, मैंने कहा है पहले भी, आप कमेंट कर देना। सो तब तक गुड बाय अगेन, बाय बाय। एंड यार देखो, बुरा मत मानना, मैंने दो बार बाय बाय बोल दिया, बट फिर भी अभी फिर से बोलता हूँ बाय बाय, बट अभी एक और बार बाय बाय बोलूंगा, क्योंकि देखो मेरे भाई, जो बेन 10 है उसका मैंने यहाँ पर सबसे ओल्ड वर्जन इसलिए लिया क्योंकि यार बेन 10 के कई सारे वर्जन हैं। एंड देखो, निराश मत हो जाना कि बेन 10 हार गया तो आपकी वीडियो बेकार है, मतलब मेरी वीडियो बेकार है, तो नहीं भाई, क्योंकि बेन 10 का जो ये सबसे छोटा वर्जन है वो उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं लगा मुझे, तो वो यहाँ पर हार जाएगा अवेंजर्स से। बट यार देखो, बेन 10 के अंदर कई सारे वर्जन हैं, जैसे कि बेन 10 एलियन फोर्स वाला, अल्टीमेट एलियन वाला एंड ओम रिवर्स वाला। अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो भाई बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो अगर इस पार्ट में काफ़ी अच्छे लाइक्स आते हैं, व्यूज़ आते हैं, तो मैं इन तीनों वर्जन पर भी बेन 10 के सेपरेट वीडियोस लाऊंगा। अगर आपको देखना है तो बता देना मुझे। सो तब तक के लिए गुड बाय अगेन, बाय बाय, फाइनली बाय बाय।